एक जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ रहा करती थी। उसमें से एक पक्षी काफ़ी गरीब थी और मजबूर थी। उनकी एक बेटी थी, वह भी बहुत छोटी थी और मम्मी से काफ़ी सारा बात करती, और वह चिड़िया का पूरी जंगल में चर्चा चलता। सभी उसके शिकायत किया करते। कौवा और मोर भी काफ़ी बातें करते और उसे शिकायत करते। पूरा जंगल उस चिड़िया की शिकायत करती, क्योंकि वह सभी चिड़िया उससे काफ़ी अमीर था। पेड़ भी उसे देख शिकायत करती। जब भी वह चिड़िया उससे उस रास्ते से होकर जाती तो उसको उसकी शिकायत ही मिलती। वह काफ़ी दुखी होती, पर क्या कर सकती थी। तभी उसे एक वृक्ष ने सामने आकर बोला, बेटी मैं तुम्हारे इस समस्या को समझ सकता हूँ। जाओ, तुम्हें एक बगल का पेड़ में पैसा फरने वाला पेड़ है, उससे पैसा ले लो। और वह पेड़ के पास गई तो देखा इतना सारा पैसा। वह काफ़ी खुश हुई और वह उसमें से कुछ पैसा तोड़कर वह फिर अपने घर के पास आई और उससे मार्केट कर काफ़ी अच्छा खाना पकवान बनाकर खाई और खुश थी। और सभी जंगल में से एकदम राजा का जिंदगी जी रही थी। फिर सभी चिड़िया को उसकी अमीरी पसंद नहीं आया और फिर उसे शिकायत करने लगे, पर वह चिड़िया किसी की नहीं सुनी और एक नई घर ले ली और उस घर में रहने लगी। और वह पैसा पेड़ से तोड़ती और उससे अपना जीवन बसेरा करती और खेत में भी काम करती। एक दिन पर्वत महाराज बोले, बेटी तुम्हारी समस्या तो निदान हो गया, लेकिन तुम यहाँ पर खेती करो और हम तुम्हें अच्छा धन उपजा देंगे और तुम और अमीर हो जाओगी। यह बात सुन वह खेती करने लगती है और काफ़ी हरा भरा उसका खेत हो जाता है और सुखी पूर्वक वह जीती। चला सके। उनके दो बच्चे थे, वे घर में अपने बेटे से बात करते हैं, अरे आज तो तीज है तो कैसे तीज मनाएंगे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कहाँ से लेकर पैसा लाएंगे। और परंतु उसकी पत्नी तो तीज करती थी, उन्हें तो तीज करना था। वे कैसे भी करके अपने पति से बोलती है, तुम जाओ बाहर कहीं देखो, काम ढूंढो और काम करके जो पैसा बने उससे हम अपना तीज मना लेंगे। यह बात सुन वह कुछ समय विचार करता है और वहां से उड़ पड़ता है काम की तलाश में। बहुत दूर उड़ने के बाद भी उसे कोई भी काम अब तक नहीं मिल पाया था। वह काफ़ी थक चुकी थी और थक हार के वह अब
घर जाने की सोच रही थी, तभी उसके सामने एक मोर कुछ लकड़ी लेकर जा रही थी और वह लकड़ी को नहीं ले जा पा रही थी क्योंकि वह मोर बहुत ही बूढ़ी थी। मोर थक चुकी थी, बोलती है, कोई मुझे हेल्प कर दे तो मैं उसे कुछ रुपया दे दूँ। यह बात कबूतर सुन वहाँ पर आती है और उसके सामान ढोने लगती है। लकड़ी पहुँचाने के बाद मोरनी उसे एक जादुई चक्की देती है और मोरनी बोलती है, देखो यह जादुई चक्की है, इस चक्की से तुम्हारे घर का परेशानी खत्म हो जाएगा और तुम अमीर बन जाओगे। बस इस चक्की को कहना धम 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 चल जा गम, और जो चीज मांगना हो वह चीज बोल देना, यह चक्की तुम्हें वह चीज दे देगी। जब इसे बंद करना हो तो इसे बोल देना धम 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 बंद हो जा गम, बस बंद हो जाएगा। अच्छा, यह सुन वह चक्की कबूतर लेकर चला जाता है और वह घर पर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई में यह एक जादुई चक्की। वह अपने घर में आकर पूरे परिवार को एक साथ बुलाकर उस चक्की को लाता है। यह चक्की सभी ने देखा और अपनी इच्छा व्यक्त की, धम 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 चल जा गम, आटा दे दो, चावल दे दो, पिज्जा दे दो। धम 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 बंद हो जा गम, और वह चक्की बंद हो जाती है। यह सभी वस्तुएं अपनी इच्छा के अनुसार उसके सामने प्रकट होने के बाद वह आश्चर्यचकित रह जाती है और सोचती है वाकई ऐसा चक्की होती है, और ढेर सारे इच्छा व्यक्त करती है और वह पूरी जंगल के सबसे अमीर चिड़िया में से एक चिड़िया बन जाती है और सबसे अमीर हो जाती है, और वह अमीरी का घमंड नहीं करती और सभी चिड़ियाओं को हेल्प करती है, उसे भी मदद करती है। इस प्रकार वह अपना तीज पूरा कर लेती है। दूर के एक जंगल में बहुत सारे चिड़िया रहा करते थे। उन्हीं में एक चिड़िया काफी गरीब थी, उनके एक बच्चे थे। वह बच्चे काफी भूखे थे। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे खाने को दो ना। तब माँ बोलती है, अच्छा ठीक है बेटा, मैं खाने के लिए कुछ देखता हूँ और जाता हूँ और लाता हूँ। फिर वहाँ से चिड़िया उड़ जाती है और बहुत दूर चली जाती है, पर उसे एक भी दाना नहीं दिखता है। बहुत समय बाद उसे एक दाना दिखता है। अरे दाना मिल गया, अच्छा एक ही दाना है, चलो इसी को मैं खाता हूँ और कुछ अपने बच्चों के लिए ले चलता हूँ। वह दाना मुंह में उठा लेती है, फिर वहाँ से निकल उड़ती है। फिर उड़ते उड़ते वह थक जाती है और एक पेड़ के तभी मुंह का दाना गिर जाता है और वह फंस जाता है। फिर अरे यह क्या हो गया, यह मेरा तो दाना इसी में गिर गया, अब मैं कैसे इसे निकालूं।
मैं जाती हूँ दूसरी चिड़िया से मदद मांगती हूँ, और वहाँ से वह उड़ जाती है। बगल की एक चिड़िया से वह मदद मांगती है। अरे बहन, मेरा दाना उस लकड़ी में जाकर फंस गया है, तुम उसे निकाल दो या निकालने में मेरी मदद करो। यह बात चिड़िया सुन, चिड़िया उसके मदद नहीं करती है, अब बोलती है तुम्हारा दाना है तुम निकालो, मैं क्यों निकालने जाऊं। फिर चिड़िया बोलती है मेरा एक ही दाना था, मैं वह कैसे खाऊं, कैसे लेकर घर जाऊं, और मेरा बच्चा कैसे खाए, मेरा बच्चा रोए रोए, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे घर लेकर जाऊं, मेरा बच्चा है मेरा बच्चा रोए रोए। वह गाना गाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वह दूसरे चिड़िया के पास आती है और फिर वह गाना गाती है, मेरा दाना उस लकड़ी में जाकर गिरा, मैं का खाऊं का पीऊं का लेकर मैं घर जाऊं, मेरा दाना उस लकड़ी में गिर गया है, मैं का खाऊं का पीऊं और क्या लेकर मैं घर जाऊं। यह बात चिड़िया सुन बोलती है तुम्हारा दाना गिर गया है तो मैं क्या करूं। वह भी मदद नहीं करती है। फिर वह उड़कर चली जाती, घर पर पहुंचता है और उसकी बेटी बोलती है मम्मा मम्मा आ गई, मम्मा मुझे खाना दो ना। तो वह खाना नहीं लाती है तो वह नहीं दे पाती है, वह भूखे ही रहती है।